हेलो गाइस, तो जैसा थंबनेल आपने शुरुआत में वीडियो के देखा वैसे ही थंबनेल में आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि ऐसा एडिटिंग थंबनेल कैसे बनाते हैं और किस ऐप से बनाते हैं। ऐसा थंबनेल आप भी बना सकते हैं पिक्सेल ऐप की मदद से, आसानी से बन जाता है, बहुत इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं ऐसा थंबनेल। तो आपको सबसे पहले तो आपको पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद आपको न्यू टेक्स्ट डिलीट कर देना है, फिर वहाँ पे यूट्यूब साइज सेट कर लेना है। यूट्यूब सेट होने के बाद आपको देखते एक इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है, नहीं आपको पहले ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ये वाला आपको एक बैकग्राउंड लगाना है स्क्रीन पे। ये वाला बैकग्राउंड आपको लगाना है स्क्रीन पे, इसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इस बैकग्राउंड के स्क्रीन पे आप लगा लीजिएगा। और इसका ओपिसिटी आप कर दीजिएगा अपने हिसाब से कर दीजिएगा, मैं तो अभी 17 कर देता हूँ, 17 कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ओपिसिटी इसका। फिर से लॉक कर दीजिएगा ऊपर से क्लिक करके। फिर प्लस के ऑप्शन पे गैलरी पे जाइएगा और मैं एक ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पीएनजी फोटो एक लगाया है स्क्रीन पे। इसे मैंने कुछ स्टेप सेट कर दिया स्क्रीन पे और इसको आपको स्टॉक ऑन कर देना है, रेड कलर में स्टॉक का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ऑन कर दीजिएगा और इसे भी ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक कर दीजिएगा लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके। फिर आपको टेक्स्ट लिख लेना है, टेक्स्ट लिख लीजिए। मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ डेडपूल और इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। और आपको अब फॉन्ट में जाके एक फॉन्ट चेंज कर देना, ये वाला फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितना भी इस वीडियो में जो भी यूज कर रहा हूँ मटेरियल, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फॉन्ट को मैंने बड़ा कर दिया है और कुछ स्टेप सेट कर देता हूँ। अब जाके इसकी हम शैडो ऑन कर देंगे, शैडो में रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे और ब्लर रेडियस 50 कर देंगे। फिर इसी टेक्स्ट का एक और कॉपी कर लेंगे ताकि हमें फिर से सब कुछ करना ना पड़े। आपको इसका जाके पहले शैडो बंद कर देना है, स्टॉक पे जाके आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। और कुछ इस हिसाब से अपने आप फिर से एडजस्ट कर लेना। गाइस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसे, कुछ आपको इसका पहले कलर में जाके इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसे पूरा लो कर देना है, व्हाइट सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंस वाले ऑप्शन को पूरा पीछे कर दीजिएगा और इसे फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। हाँ देखिए ऐसे सेट हो चुका है, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। फिर से इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसे ही कॉपी करके, और अभी लिखना है। तो
और टेक्स्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं इज लाइव लिख दूंगा, इज लाइव लिख देता हूँ कुछ इस टाइप का, और इसे छोटा करके इधर नीचे लगा देता हूँ। इसे ऊपर के लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक कर देते हैं ऊपर से। फिर से आपको गैलरी में जाना है और एक रेड शेडो का पीएनजी है उसे हम लगा देंगे। इसे मैं कोने में सेट कर देता हूँ। अब इसका एक कॉपी करके एक और इस साइड कोने में लगा देंगे, इसके अपोजिट एक इस कोने में लगा देंगे इसी ऐसे ही रेड शेडो। हमारा लग चुका है दो रेड शेडो। और फिर अब हम फिर से गैलरी में जाएंगे और एक थंडर का इफेक्ट लगाएंगे। एक मेरे पास पीएनजी है ब्लू कलर का थंडर इफेक्ट का, इसे पहले बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर इसका कलर जाके चेंज कर देंगे, इसका कलर रेड कर देंगे। फिर लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे इसके बाद, और इसे पिक्चर के पीछे कर देंगे। हम देख सकते हैं गाइस हो चुका है, इसे हमने पिक्चर के पीछे कर चुका है। कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाया, आप भी ऐसा बना सकते हैं एडिटिंग थंबनेल।